अब समय आ गया है दोस्तों देश के सारे 100 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का। क्या बात है? संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने सही बात है। अब समय आ गया है दोस्तों देश के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बीआर अंबेडकर को। याद रखना कि देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म है। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, क्या हाल चाल है? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन लेके आए हैं वो हमारे ध्रुव राठी भाई की न्यू वीडियो आई है, तो आओ देखते हैं वीडियो शुरू से लेके एंड तक जुड़ देखना। जो ध्रुव राठी को सच में प्यार करते हैं, जो मतलब लगता है कि हाँ बंदा देश के लिए कुछ कर रहा है, भाई मुझे लगता है कि अगर सच्चा देश से प्यार करना होता तो ये होता है भाई। अगर बंदे को लगे कि देश में गलत हो रहा है और आप खुल के ना बोलो तो वो भी गलत है। अंध भगत बन के भी नहीं बैठना चाहिए, मतलब कितना भी गलत हो रहा हो तो हमारे देश में हो रहा है, हमें क्या है, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जब आपको लगे कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है, हमारे देश में गलत हो रहा है, तो सबको एक साथ बोलना चाहिए। तो आओ देखते हैं ध्रुव राठी भाई की न्यू जो वीडियो आई उसमें भाई ने क्या बात की है। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। जो ध्रुव राठी को प्यार करते हैं, जिनको सच में उनकी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हम देश को बदल सकते हैं, टाइम है भाई। तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले देखेंगे भाई की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कर्नाटका में अरुण वार्निकर नाम के एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहे थे। अच्छा, गॉडेस काली को अपना खून चढ़ाना चाह रहे थे कि गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट ली। ये पीएम मोदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि इससे पहले इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है, इन औरतों को देखिए। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दिए। सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। अब बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट दे। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा चाहिए दे दोगे ना? चलो उतार लो, शर्ट लगा लो, कार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई, अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। पेट्रोल के दाम को लेकर कहते हैं कि लोगों को मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए, मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले साइकिल पे चले। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया, लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। सही बात, लेकिन है। फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं, वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। सरकार जैसा कह गया वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। सही बात, कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं, अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिविजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कोई सुधार नहीं आएगा, हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सही सुना आपने, शायद गोदी मीडिया के टीवी एंकर्स और गोदी यूट्यूबर्स को लगे कि मैं उनका क्रेडिट चुरा रहा हूं। ऐसा नहीं है, उनको भी कुछ क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहां सबसे बड़ी जिम्मेदार है। व्हाट्सएप पर जो खेल खेला जाता है ये सही में अलग लेवल का है। ये बात सही है, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे आती है। इस वीडियो को देखिए, आपने बयान जरूर कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली?
निन्यानवे साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये निन्यानवे साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है, क्या लगता है आपको ये बात इन्हें कहाँ से पता चली? ऑब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत बहुत गहरी सुरंग है, और ज्यादातर टाइम जो मैसेजेस यहाँ फैलाए जाते हैं वो ना सिर्फ झूठे होते हैं बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। सही बात। एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि गोदी मीडिया के कंपैरिजन में व्हाट्सएप 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और एफआईआर्स का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए NBDSA के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि FIR का डर होता है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त ही कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था, और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 FIR फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। अर्णब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। ऑफ द किलिंग ऑफ 2 हिंदू साधुस wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? नतीजा ये हुआ कि अर्णब के खिलाफ एक FIR दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। बाद में एक अपोलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक FIR दर्ज करी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, सुधीर चौधरी। जब ये जी न्यूज पर काम करते थे एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाती है इसको लेकर। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की। रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार, जिस बात के लिए सरकार को जवाब देना चाहिए उनका ये लोग जवाब देते हैं। मैंने ऐसा कई बार अंजना को इतनी चापलूसी करते मैंने देखा है ना न्यूज एंकर में, कहो मत। मतलब अब वो उन्होंने एक जहाज वाला कुछ नया वो मतलब लेके गई थी कहीं जहाज से वो एंकरिंग करने, इतना तगड़ा झूठ बोलती हैं और इतना तगड़े से वो अपने आप को डिफेंड करती हैं मोदी जी के जैसे उनके, मतलब क्या बोलूं कि मोदी जी उनके पास में बैठे हैं, बिल्कुल मोदी जी की बिल्कुल एक हाथ है उनके ऊपर सर पे, इतना मतलब कितना भी आप उसके लिए बोल दो, अगर आप मोदी के खिलाफ बोल रहे तो वो आपकी बात का जवाब क्या, आपकी बात का पूछने नहीं देती एंकरों को, ऐसा उनका हाल है भाई। ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि फैक्ट चेक और FIR का डर लगा रहता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग खतरनाक माफिया चला रहे हैं उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है किसी जानने वाले से, आप उसके झूठ को पकड़ लेते हो और बताते हो कि असली फैक्ट्स क्या है, वो आपको सिंपली जवाब में कहता है ओ अच्छा ऐसा है,
मुझे तो किसी और ने फॉरवर्ड किया था ये मैसेज। एक व्हाट्सएप मैसेज को पता नहीं कितनी हजारों लाखों बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। कोई नहीं जानता कि सबसे पहले वो मैसेज किसने भेजा था, तो किस पर FIR करी जाएगी। अब सरकार चाहे तो इस चीज को ट्रैक कर सकती है और एक्शन ले सकती है। जैसे कि कर्नाटका में एक 32 साल के कॉल सेंटर एम्प्लॉय मोहम्मद आजम को 50 लोगों के मॉब के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक झूठा मैसेज फैला था कि वो बंदा चाइल्ड किडनैपर था। बिल्कुल वही चीज जो पालघर के केस में हुई थी। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार और पुलिस ने एक्शन लिया, तो 25 लोग जो उस भीड़ का हिस्सा थे उन्हें अरेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में ये मैसेज कहाँ से निकल कर आया था। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फैलाया गया, उस ग्रुप के एडमिन को भी अरेस्ट किया गया। तो सरकार चाहे तो इस झूठों की फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी IT सेल है, तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी? सिंगापुर के एक न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी IT सेल के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया था। सुनिए उसका क्या कहना था। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूं। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का। वो चीजें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। ये माफिया सीधा ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर ISIS को ज्वाइन किया। मैंने इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरत खोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म बार झूठ बोलो, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार PM मैंने झूठे बंदे बहुत देखे हैं, मगर मैं एक चीज यहाँ पे ये सोचता हूँ कि हमारे PM जी ये झूठ बोलेंगे तो फिर लोगों तक क्या जाएगा? मतलब जिसका क्या बोले बंदा यार, इतना तगड़े तगड़े झूठ बोलते हैं ना, पता नहीं यार उनको ऐसा लगता है कि सब मूर्ख हैं। जितने लोग आके बैठे हैं या जो सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहे हैं, वो मूर्ख हैं। उनको कुछ नहीं पता चलेगा मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं। लोग तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, कुछ उनको पता ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो सच मान लेंगे, क्योंकि हमारे ऐसी अंदर से वो बना दी गई है ना, हम प्रधानमंत्री जी को कुछ बोल ही नहीं सकते। लोगों को ऐसा लगता है आपने प्रधानमंत्री जी को कुछ बोला तो आप देश अतवादी हो, आप देश द्रोही हो, आपने PM के लिए ऐसा क्यों बोल दिया? ये हाल हो चुका है। मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। सही बात है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह भी अपने एक भाषण में खुद की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उनके बीजेपी IT सेल के पास काबिलियत है किसी भी झूठ को पूरे देश में फैलाने की। तो जब प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ही ऐसी हरकतें करेंगे तो ये क्यों रोकेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अभी एक हैवान बन चुका है। बिना किसी देरी के आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजोरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जाम्पल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था, उस वक्त वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी। इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है, और भड़काया इन्हें। पाकिस्तानी डिक्टेटर का एग्जाम्पल लेकर देख लो, जिया उल हक। पाकिस्तान में मेजोरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है, तो उन्हें निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई हिंदू, क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ। मेजोरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करना है।
बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल रोल मॉडल्स हैं वो सावरकर और गोलवलकर जैसे लोग रहे हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये दोनों ही हिटलर के सेल्फ डिक्लेयर्ड फैनबॉयज थे। इनकी राय में हिंदू सिख्स बुद्धिस्ट और जैन्स तो सब हिंदूज थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे। सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों का यहाँ एक और भी एजेंडा था। उन्हें मनुस्मृति बुक बड़ी पसंद आती थी जो बहुत ही कास्टिस्ट चीजों से भरी हुई है। अच्छा, देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने इस किताब को जलाया था। तो व्हाट्सएप का ये माफिया यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। अब ब्रेन वॉश करने के यहाँ चार डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। अच्छा, पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरत खोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर टू, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं, हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर थ्री का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं, और जो जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरस, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ हैं। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर फोर, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली ये थर्ड और फोर्थ डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। तो शॉर्ट में एक बारी फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए। डिपार्टमेंट वन, आप हिंदू महान हो। डिपार्टमेंट टू, आप पर सदियों से जुल्म होता आया है। डिपार्टमेंट थ्री, आप खतरे में हो। और डिपार्टमेंट फोर, मोदी और बीजेपी आपको आकर बचा लेंगे। खतरे वाला तो भाई बहुत चलता है, मतलब ऊपर से लेके तक हिंदू है सब, मगर खतरे में कौन है? सबसे ज्यादा हिंदू। मतलब इस चीज का इतना तगड़े से इस्तेमाल किया जाता है कि समझ नहीं पाता कोई कि क्या चल रहा है। इस चीज को समझो, मैं फिर भी कहता हूँ भाई, सोच और समझ के वोट डालो, ना कि अंधभक्त होकर वोट डालो। अगर एक बार ये हाथ से चीज गई तो आप दोबारा कभी नहीं बदल पाओगे। जिस इमोशन के रोलर कोस्टर पर आपको भेजा जा रहा है, ध्यान दो कितना खतरनाक है वो। पहले प्राइड का इमोशन, एरोगेंस अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फियर डर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। और यही चीज दोस्तों हिटलर के समय में भी होती थी, हालांकि उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अखबार, रेडियो और फिल्मों के माध्यम से यही चार डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। पहला, इन सभी जर्मन आर्यंस को कहा जाता था कि आपकी नस्ल कितनी महान है, आप कितने महान लोग हो, आप सबसे उच्च जाति की प्योरेस्ट रेस हो। दूसरा, लेकिन आज आप देखो कितने बड़े विक्टिम हो। हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, हमारा देश कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो यहूदी लोग। तीसरा, आप खतरे में हो। देखो वो ज्यूज आकर हमारे देश को खत्म कर देंगे, वो आपके घरों में घुसकर आपको मार देंगे। और चौथा, डरने की कोई बात नहीं, हमारे सुप्रीम लीडर आकर हमें बचा लेंगे। ये हिटलर हमारे भगवान के अवतार हैं जो सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजी जो उस समय इस्तेमाल करी जाती थी दोस्तों, आप देखोगे कि कैसे आज व्हाट्सएप के जरिए आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। और डिटेल में जानना है,
ChatGPT से पूछकर देखो, हिटलर ने अपने देश में कैसे मेजोरिटी कम्युनिटी को ब्रेन वॉश किया। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर मिलेगा, बहुत बढ़िया जवाब मिलेंगे, काउंटर क्वेश्चन भी करके देखना और गहराई से समझने के लिए इस चीज को। ChatGPT दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जिसे आज के दिन बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दुगनी स्पीड से काम करने के लिए। मैंने ध्रुव राठी एकेडमी पर पूरा एक मास्टर ChatGPT का कोर्स बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इस कोर्स में मैंने डिटेल्ड तरीके से समझाया है कि कैसे आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इस कोर्स को लेने के बाद आप जान जाएंगे कि गूगल सर्च को इस्तेमाल करना कैसे पुराने जमाने की एक चीज बन गई है। कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में, किसी भी चीज को बेहतर समझना हो, किसी भी काम में मदद चाहिए हो, आप देखोगे कि कैसे ChatGPT एक बेहतर टूल है उसके लिए। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए work40 इस कोर्स पर 40% ऑफ पाने के लिए। इस कोर्स का लिंक यहाँ इस QR कोड को स्कैन करके मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब ये प्रोसेस एक बार खत्म हो गया तो इसके बाद बस व्हाट्सएप का रेगुलर डोज चाहिए होता है। एक व्हाट्सएप मैसेज सुबह आएगा, एक व्हाट्सएप मैसेज शाम को आएगा, यही चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। फिर किसी की बनियान उतरे, किसी का अंडरवेयर फटे, 500 रुपए का पेट्रोल हो, 5000 का सिलेंडर हो, बेरोजगारी हो, मणिपुर जले, हसदेव जंगल कटे, लद्दाख पर खतरा हो, किसान को MSP ना मिले, देश पर लगा पूरा कर्ज 205 लाख करोड़ पर पहुंच चुका हो, सरकारी स्कूल खराब हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही कहेगा कि जो भी हो, वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा। कांग्रेस चाहे अपने मैनिफेस्टो में कितनी भी अच्छी चीजें डाल ले, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चाहे कितने भी जुमले डाल ले, वो वोट फिर भी मोदी को ही देगा। क्यों? क्योंकि इस व्हाट्सएप माफिया ने उसे मानसिक गुलाम बना दिया है। उसे ये एहसास दिला दिया है कि एक मोदी ही तो है जो तुझे आकर बचाएगा। चीजों को और गहराई से समझने के लिए, ठोस सबूतों और उदाहरणों के साथ समझने के लिए, हमें इन चारों डिपार्टमेंट्स को और डिटेल में जानना जरूरी है। पहले डिपार्टमेंट से अगर शुरुआत करें तो उसमें किस तरीके के झूठ फैलाए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट में आप ग्रेट भरत मुनि के बारे में नहीं सुनोगे, जिन्होंने नाट्य शास्त्र कंपोज किया था। ना ही आप पढ़ोगे जैन साधु आचार्य हेमचंद्र के बारे में, जो कि एक महान मैथमेटिशियन और लिंग्विस्ट थे। ना आपको कोई ऐसा मैसेज मिलेगा जो हमारे महान इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट से इंस्पिरेशन लेने को कहेगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे और साइंस को अगर इस गेम के बीच में ले आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे बहुत से एंशियंट फिजिशियंस जैसे कि ऋषि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि देश को हम एक मेडिकल रिसर्च का पावर हाउस बनाए। लेकिन नहीं, हमें लोगों को धर्म के नाम पर प्राइड की फीलिंग देनी है। तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मेजरली आपको रिलीजन, माइथोलॉजी और राजाओं की कहानियां सुनने को मिलेंगी। और यहां पर भी रामायण और भगवत गीता जैसे स्क्रिप्चर्स की अच्छी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भगवान राम की तरह हम्बल कैसे बनना है या अहंकार को कैसे खत्म करना है। बस प्राइड, प्राइड और प्राइड, सिर्फ गर्व और अहंकार आपके अंदर जगाया जाएगा। इसके लिए आपको झूठे मैसेजेस भेजे जाएंगे जिसमें कहा गया हो कि वेदास में तो सब कुछ लिखा था, कोरोना वायरस का क्योर वहां था, कैंसर का क्योर वेदास में मौजूद था, टेस्ट ट्यूब बेबीज हजारों साल पहले हिंदुओं के देखने को मिलते थे, सब कुछ हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में था और ये एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने भी साबित किया है। ऐसे ही वो मैसेजेस लिखे आते हैं। ये मत पूछना कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से रिसर्चर और इसके पीछे सबूत क्या है। इन चीजों पर सवाल मत करना, नहीं तो आप एंटी हिंदू बन जाओगे। साइंसिस डोप जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स को डिबंक करते हैं, इन झूठों को पकड़ते हैं। लेकिन ऐसे झूठ पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप माफिया फिर आपको ही एंटी हिंदू घोषित कर देता है। लाला रामदेव जो कोरोनिल के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं, 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं, 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए, ये बहुत बड़ी बात। रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके शहद में चाइनीज सिर्फ मिला होता है। गलत एड्स वो छापते हैं, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी की साइड पर है और यहाँ किसी भी तरीके से वो प्राइड की फीलिंग जगाई जा रही है, उन्हें काम करने दिया जाता है। लेकिन अगर एक पढ़े लिखे हेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ए बी फिलिप्स यहाँ पर रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और एम्पेरिकल एविडेंस की बात करेंगे तो उन पर आरोप लगाया जाता है एंटी हिंदू होने का। इसके कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। जग्गी वासुदेव जो प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने कोई हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। Somebody who reads a book and talks that is plagiarism. I read no book. If somebody says this is not what is in a book, I will say please correct the book. I have not read the Gita, so I really have not. My own vision has never failed me. So I always kept away from all scriptures because I didn't want to clutter myself with something or the other. खुद भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो बीजेपी के फेवरेट हिंदू गुरु हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत जिन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स एक्चुअली में पढ़े हुए हैं और आपको वैल्यूज सिखाते हैं जो भगवत गीता में दी गई हैं, उन्हें एंटी हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो व्हाट्सएप माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाते हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वो सब खोज खोज के निकाल लाते हैं। ये देखो, ये रहा, ये अपमान है। मतलब
मिलता कहाँ से इनको ये सब? कल्पना से मिलता और कहाँ से मिलता है? यूट्यूबर्स का ही एग्जांपल लेकर देख लो, अगर वहाँ एक यूट्यूबर है जो रोज माँ बहन की गालियां देता है, बेटिंग गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करता है, हिंदुओं को गुमराह करता है, लेकिन अपने पीछे जय श्री राम लिख कर रखता है, वो परफेक्ट हिंदू बन जाता है वहाँ व्हाट्सएप माफिया के लिए, क्योंकि वो उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करूं अपने वीडियोस में, आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स आपको समझाऊं, रामायण से जो सीख मिली है उस पर दो डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, भगवत गीता के मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाऊं, तो मेरे को ये लोग एंटी हिंदू घोषित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। मैं आपको यहाँ कोई गर्व नहीं ऑफर कर रहा जो व्हाट्सएप माफिया इनका कर रहा है आपको। लोगों को अपना दिमाग स्विच ऑफ करना इस फर्स्ट डिपार्टमेंट से ही सिखाया जाने लगता है। कहानी आपको सुनाई जाती है ये कहकर कि देखो हवन से एक्चुअली में ऑक्सीजन रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर साफ होती है। गोदी मीडिया के एक चैनल एक बारी प्रोग्राम चलाया था कि कैसे 10 ग्राम काउ घी से 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर G.E. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था कि कंबशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पर इम्पार्शियल बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन बार बार ऐसे क्लेम्स उठाए जाते हैं ताकि लोग अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना सीख सके। लोगों को कहा जाता है, धर्म की बात हो रही है भाई, हिंदू रिलीजन की बात है, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो कहा जा रहा है उस पर यकीन कर लो। ये देखिए कैसे कैसे झूठ फैलाए जाते हैं कि गाय ऑक्सीजन देती है। The latest in that list is Pragya Thakur, who has said that drinking cow urine can cure lung infection. सच बात तो ये है कि इन लोगों ने कोई scriptures पढ़े ही नहीं हुए। किसी भी वेद में कहीं लिखा हो कि भाई हवन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है या गाय ऑक्सीजन देती है, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। ऋग्वेद के पहले श्लोक में ही मेंशन किया गया है हवन का मतलब क्या है, वो एक प्रेयर है जो लॉर्ड अग्नि को ऑफर करी जा रही है। पर मैं हवन के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी शादी में हवन कराया था। मैं इस झूठ के खिलाफ हूँ जो आईटी सेल और इनका व्हाट्सएप माफिया फैलाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के माइंड्स को स्विच ऑफ करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग अपने दिमाग की बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसके बिना इनके जाल में फंसना बहुत मुश्किल है। बहुत सी औरतें अपने पैरों में टो रिंग्स पहनती हैं, क्यों? क्योंकि एक कल्चरल ट्रेडिशन है हमारा। दुनिया भर में कई और देशों में देखने को मिलता है, जैसे कि अफ्रीका। बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस सिंपल एक्सप्लेनेशन में गर्व की फीलिंग कहाँ है? कोई प्राइड नहीं आ रही। तो व्हाट्सएप माफिया क्या करेगा, आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स गिनाने शुरू कर देगा। ये देखो एक्चुअली में टो रिंग्स पहनने के साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं। दैनिक जागरण से लेकर यूट्यूब चैनल्स पर, इंडिया टुडे पर, जग्गी वासुदेव, हर कोई अपने अलग अलग कारण सुनाता है। सबके पीछे मकसद एक है, आपके अंदर वो गर्व की फीलिंग जगाना, वो गर्व की फीलिंग जो रैशनल हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन से नहीं आने वाली। जग्गी वासुदेव ने अनुपम खेर से बात करते वक्त एक बारी कहा था कि आपकी बॉडी पर अगर मेटल को स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर लगाया जाएगा तो आप अपनी बॉडी से एक्सीडेंटली निकल नहीं पाओगे। अगर आपके शरीर में कुछ विशेष जगहों पर मेटल हो तो आप गलती से शरीर नहीं छोड़ेंगे। कुछ और व्हाट्सएप मैसेजेस आपको सुनाएंगे कि जो सेकंड टो फिंगर है उस पर एक नर्व हमारे हार्ट से पास करती है जो यूटरस से रिलेटेड है। दैनिक जागरण कहता है इससे वुमेन की फर्टिलिटी बढ़ती है। जिंदगी.com पर लिखा है इससे यूटरिन डिजीजेस और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं। ये कहने कहने को ये भी लिख देते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज ने इसे प्रूफ किया है। बताओ जरा कौन सी साइंटिफिक स्टडी ने इसे प्रूफ किया है? इंडिया टुडे ने अपने आर्टिकल में छाप रखा है कि इससे यूटरस का ब्लड प्रेशर चेक में रहता है और एक औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल में रहती है। अपनी हेडिंग में लिखते हैं बेनिफिट्स एज पर वेदास। जरा मुझे बता दो इंडिया टुडे वालों कि किस वेद के कौन से श्लोक में ये चीज लिखी हुई है। कहीं इसका सबूत नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा। किसी भी बच्चे ने अगर क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ी है तो वो जानता होगा कि नर्व्स का नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इस बात का कोई सेंस ही नहीं है कि एक सेकंड टो फिंगर की नर्व हमारे दिल से गुजर रही हो। लेकिन जो लोग अक्सर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार बनते हैं वो इतने पढ़े लिखे हुए नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर एग्जाम पास किए होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के बराबर ही हैं अगर उन्हें अपनी नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आती तो। एक और ऐसा क्लेम व्हाट्सएप पर फैलाया जाता है कि तिलक लगाने से हमारे फोरहेड की जो ट्राइगेमिनल नर्व होती है वो प्रेस होती है, इससे हमारे साइनसिस क्लियर हो जाते हैं। अब ट्राइगेमिनल नर्व जैसा हैवी शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो ट्राइगेमिनल नर्व के एंड पॉइंट्स हैं ये हमारे माथे पर नहीं है, एक्चुअली में आईब्रोज के ऊपर है, चीक्स पर है और चिन पर है। इस डायग्राम को आप देख सकते हो, और इन पॉइंट्स पर भी प्रेस करने से कोई साइनस क्लियर नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास है। असलियत में तिलक लगाना हमारा एक रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसका अपना महत्व है। उद्धव पुंड्र तिलक को लेकर वसुदेव उपनिषद में लिखा है ये 3 लाइनें त्रिमूर्ति की रिमाइंडर है, ब्रह्म विष्णु और महेश।
या फिर तीन रियलिटीज, माया, भ्रम और आत्मा, ये एक स्पिरिचुअल रीजन है, एक ट्रेडिशनल रीजन है। अगर आप व्हाट्सएप की बकवास पर यकीन करोगे तो आप उस स्यूडो साइंटिफिक बकवास को असली रीजन मानने लग जाओगे, और ये जो रियल स्पिरिचुअल रीजन है इसे आप इग्नोर कर दोगे। तो एंटी हिंदू मैं नहीं, ये व्हाट्सएप माफिया है सबसे बड़ा एंटी हिंदू, जो सभी हिंदुओं को गुमराह कर रहा है ये झूठी कहानियां सुनाकर। ये लोग साइंस की इतनी बात करते हैं इन व्हाट्सएप मैसेजेस में, लेकिन हमारी सरकार का जो रिसर्च का बजट है उसे देखा है कभी? हर साल हमारे साइंस एंथुजियास्ट और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी कम एलोकेशन क्यों की जा रही है रिसर्च और डेवलपमेंट पर देश में। 2021 में इसराइल ने 5.55% अपने जीडीपी का रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया, साउथ कोरिया ने 4.93% ऑफ अपना जीडीपी इस पर खर्च किया, लेकिन इंडिया में सिर्फ 0.65% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया गया। व्हाट्सएप माफिया के जाल में फंसे लोग कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे कि हमें रिसर्च पर स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए इंडिया, ताकि और चीजें रिसर्च कर पाए, हमारे देश में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है वो इम्प्रूव हो पाए, और जब ऐसा हो तो हम प्राउड फील करें। नहीं, वो लोग ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं। पहले की ये फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी कि बेटा जमकर मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, कमाल करो किसी फील्ड में ताकि हम तुम पर गर्व कर सके। अब कहा जाता है नहीं नहीं, इतना लंबा प्रोसेस क्यों, अब तो सीधा दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आ गए हैं, इधर देखो इन्हें पढ़ो और गर्व करो अपने ऊपर, इधर बेटा गर्व में उधर बाप गर्व में। कंडीशन केवल एक है कि अपना दिमाग मत लगाना, सवाल मत पूछना, कुछ वेरीफाई मत करना, यहाँ आपको मिलेगा खूब सारा गर्व। इस माफिया के सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिपार्टमेंट को गहराई से अगले वीडियोस में समझते हैं दोस्तों, और जब तक हमारा ये पूरा टूर खत्म होगा हम इस माफिया की धजिया उड़ा देंगे। लेकिन बाकी वीडियोस का ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी से ही हम अपना काम शुरू कर देते हैं दोस्तों। आइए साथ में मिलकर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजाते हैं। मैंने सुना है कि बीजेपी आईटी सेल में करीब 10,000 के आसपास लोग हैं जो इस पूरे माफिया को चला रहे हैं, लेकिन हम लोग दोस्तों साथ में मिलकर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल वाले तो मजदूरी के लिए काम करते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए, लेकिन हम लोग ये काम करते हैं क्योंकि हमें भारत माता से प्यार है। हम लोग अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अपने देशवासियों को इस ब्रेन वॉश से बचाना चाहते हैं। इसलिए सीधा सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप वन, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि जब भी मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूं आपको वो मैसेज मिल जाए। स्टेप टू, हर रोज के मैं 1 या 2 मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100-100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। इनके माफिया के जो कुछ हजार मैसेजेस व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करते रहते हैं, हम 1 करोड़ लोग मिलकर हर दिन के 100 करोड़ मैसेजेस सर्कुलेट करेंगे। हम ऐसी आंधी लेकर आएंगे कि इनके व्हाट्सएप माफिया का नामो निशान मिट जाएगा अगले 1 महीने में। स्टेप 3, अगर मेरे YouTube या व्हाट्सएप चैनल को ये लोग हटाने की कोशिश करते हैं तो बैकअप के तौर पर मेरी iOS और Android ऐप स्टोर्स पर एक ऐप है, ध्रुव राठी ऐप है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे बैकअप के तौर पर डाउनलोड करो ताकि मैं आप तक हमेशा संदेश पहुंचा पाऊं। ये ऐप अपने आप में एक व्हाट्सएप चैनल की तरह काम करेगी, जहां पर मैं मैसेजेस भेजूंगा और आप उन मैसेजेस को सीधा फॉरवर्ड कर सकते हो अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को। स्टेप 4, आप लोग भी कैमरा उठाओ और 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो इनके झूठ पकड़ते हुए। मैं अकेले 1 हफ्ते में कितने वीडियोस बना सकता हूं इसकी लिमिट है, लेकिन अगर आप लोग भी इस काम पर लग गए तो इनके झूठों की फैक्ट्री पूरी तरीके से खत्म की जा सकती। अपने वीडियोस को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या ट्विटर पर अपलोड करो, हैशटैग इस्तेमाल करो मिशन 100 करोड़। इस हैशटैग के जरिए मैं आपके वीडियोस को ढूंढ पाऊंगा और आपके भी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगा ताकि चारों तरफ हम तहलका मचा दें। और स्टेप 5, वोट करना मत भूलना, वोट करना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है दोस्तों देश के सारे 100 करोड़ वोटर्स तक। मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई, ध्रुव राठी भाई की वीडियो देख कर थोड़ा जुनून सा आता है कि सच में कुछ कर दे रहा है, वो वाला हिसाब हो गया है। मतलब बंदा क्या खोज के निकालता है भाई, जबरदस्त यार पहुंचने का। अकेला बंदा दम रखता है बीजेपी को हिलाने का भाई। जब से बंदे ने इसके अकॉर्डिंग वीडियो डालना शुरू कर दिया, बीजेपी हिली पड़ी है। बीजेपी को जवाब नहीं आ रहा है कि हम किस चीज का जवाब दें। इतना बंदा दम रखता है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने का अब समय आ गया है दोस्तों, देश के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकतंत्र, ताकि चारों तरफ हम तहलका मचा दें।
और स्टेप 5, वोट करना मत भूलना। वोट करना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है दोस्तों देश के सारे 100 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का। क्या बात, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। सही बात है। अब समय आ गया है दोस्तों देश के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। याद रखना कि देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म है। जय हिंद। भाई बंदा क्या वीडियो बना रहा है भाई, सच में यार गूप्स बम आते हैं भाई की वीडियो देख के। यार अलग सा फील होता है भाई की वीडियो देखने के, ऐसे लगता है कोई चीज का बोझ उतर गया। हमने जो मतलब देखा है चारों तरफ जो देख रहे हैं, जो चल रहा है, क्योंकि राजनीति बहुत तगड़े से चल रही है ना, धर्म की राजनीति चल रही है हर चीज पे। आज हमारे यहाँ इलेक्शन की वो हो रही थी, मतलब चुनाव का पूरा अपना बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें भी राम जी के नाम पे वोट ली जा रही है। राम जी का मंदिर पे, मंदिर पे वोट मांगी जा रही है, ना कि काम पे। देखो जो धर्म का काम है वो धार्मिक लोग कर लेंगे, आपको देश ने चुना है, आपको देश काम करने के लिए चुना है, ना कि धर्म के मुद्दों पे बोलने के लिए। आप किसी ऐसे मुद्दे पे लड़ो जो लोग आपको पसंद करें। आपने एजुकेशन को बढ़ाया दो, आप अपने लोगों को रोजगार दो, आप लोगों के सामने आओ लोगों को। जब मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जब वो कहे ना मैं लाइव आ रहा हूँ, तो लोग भाई उस बंदे की वेट करें कि आज यार क्या ये नई चीज लेके आ रहे हैं। ऐसा कोई हो जिसकी मतलब जिसको हमको भी कहने में गर्व हो कि भाई हमारा प्रधानमंत्री ये है, ऐसा होना चाहिए। ना कि ऐसा जो देश के धर्मों के मुद्दे पे बात करे। आपने एक मंदिरों के लिए कितने लोगों के घर तोड़े हैं, आपने कितने लोगों को बेघर किया वहां से, उनको कोई घर नहीं दिया गया। आपने देखा होगा भाई कितना तगड़े से झूठ बोला जा रहा है। सोचो समझो फिर वोट दो, और वोट जरूर दो भाई। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।